बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम नूरे सयाम के साथ मैं आपकी मेज़बान सुबिया ख़ान और मेरे साथ हैं मेहताब अली। आपको खुश आमदेद कहते हैं अपने प्रोग्राम में और प्रोग्राम का हम आगाज़ करते हैं। आज के प्रोग्राम की नोयत इस तरह से ही है जिस तरह से कि रमज़ानुल मुबारक का अशरा चल रहा है और दूसरा अशरा है और हम इसको आगे लेकर चल रहे हैं और इसमें हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा दीनी मालूमात जो फ्राहम कर सकते हैं वो कर रहे हैं और जितनी हम शख्सियात जो मोतबर शख्सियात हैं उनसे मुलाकात आपकी करवा सकते हैं, हमारी कोशिश होती है कि वो हम करें। और इसी सिलसिले में आज हमारे गेस्ट भी हैं और मेहताब जो हैं वो तारफ़ करवाएँगे उनका आपसे। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज इस वक्त हमारे साथ एक बहुत बड़ी शख्सियत समाजी कारकुन हमारे साथ ज़फ़र सुपारी साहब जो रावलपिंडी से तशरीफ़ लाए हैं, एक बहुत बड़ा नाम है सोशल मीडिया पे और वो आज हमारे प्रोग्राम की जीनत बने हैं। तो आज हम इनसे बात भी करेंगे, आपकी मुलाकात करवाते हैं तो इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं? वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? ठीक हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप अच्छी आपकी। और नाज़रीन इसके साथ ही हमारे साथ हमारे दूसरे नातवान भी मौजूद हैं तो सोबिया उनके बारे में ज़रा बताइएगा आप। जी हमारे जो दूसरे मेहमान हैं अब्बास अली अशरफ हैं और जाना माना नाम है और नातवान हैं और बहुत अच्छी नात पढ़ते हैं। हमने पहले भी इनको बुलाया था और इनकी इतनी ज़्यादा पुरजोर लोगों के इसरार पर हमने इनको दोबारा अपने प्रोग्राम में दावत दी है और प्रोग्राम का सिलसिला हम आगे लेके चलेंगे। ज़फ़र ख़ान सुपारी साहब से भी हम गुफ्तगू करेंगे लेकिन उससे पहले हम आपको हमद बारी ताला से महज़ूज़ करते हैं। जी हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी कल्बी गैरुल्लाह नूरे मोहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह तेरे सदके में आका सारे जहाँ को दीन मिला, तेरे सदके में आका सारे जहाँ को दीन मिला, बेदीनों ने कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह, तेरे सदके में आका सारे जहाँ को दीन मिला, बेदीनों ने कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। शेर समाज फरमाइएगा क्या लिखता है शेर के सिमते नबी भूजाल गया आका से उसने ये कहा गर ओ नबी बतलाओ जरा मेरी मोठी में है क्या। सिमते नबी भूजाल गया आका से उसने ये कहा गर ओ नबी बतलाओ जरा मेरी मोटी में है क्या। आका का फरमान हुआ और फजले रहमान हुआ मोटी से पत्थर बोला ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। अपनी बहन से बोले उमर ये तो बता क्या करती थी मेरे आने से पहले, क्या छुप छुप के पढ़ती थी। इस्लाम से पहले का वाक्या हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आप अपनी बहन से क्या फरमा रहे हैं
के सिम्हा सिमते नबी बो जाल गया आका से उसने ये कहा गर ओ नबी बतलाओ जरा मेरी मोटी में है क्या। आका का फरमान हुआ और पजले रहमान हुआ मोटी से कंकर बोला ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। अपनी बहन से बोले उमर ये तो बता क्या करती थी मेरे आने से पहले क्या छुप छुप के पढ़ती थी। बहन ने जब कुरान पढ़ा सुन के पाक कलाम खुदा दिल भी उमर का बोले उठा ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी कल्बी गैरल्ला नूर मोहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत अंदाज आपका। अच्छा बस ये जो आपने अभी कलाम हमें सुनाया है ये किसका लिखा हुआ है या आपने लिखा? शायर है हमदे बारी ताला उन्होंने लिखी है। अच्छा खूबसूरत उन्होंने अशआर लिखे हैं लेकिन उन्होंने अभी मक्ता खुद जाहिर नहीं किया उसके 3 से 4 अशआर खुद उन्होंने लिख दिए हैं। अच्छा नहीं माशाल्लाह बहुत खूबसूरत और हमें सुन के बड़ी खुशी हुई यकीनन नाज़रीन को भी हुई होगी। क्यों आप बताइए ज़फ़र साहब। इनकी आवाज़ में बड़ा मज़ा है। जी बिल्कुल ऐसे ही है बहुत खूबसूरत अंदाज है। चलें हम आगे अल्लाह का कलाम था उसमें और ही मजा। अच्छा अल्लाह के कलाम से मुझे याद आया कि आपने भी कुरान पाक जो है हाफिज कुरान है आप तो आपने कितनी मर्तबा किया है ये? मैंने 2-3 दफा दोहराया फिर बीच में पढ़ता भी रहूं। मैंने बचपन में हिफ्ज किया। अच्छा बचपन से ही 12 साल का था या 13 साल का मैंने उस टाइम हिफ्ज किया। माशाल्लाह भी रमजान में पढ़ता रहता हूं। वैसे भी ये महीना तो वो है जिसमें नज़ूल हुआ था कुरान पाक का और वैसे भी ज्यादा ही चलो वैसे भी घरों में बैठे में बिल्कुल इबादत की जाए ज्यादा से ज्यादा नमाजें पढ़ी जाए तस्बीहात की जाए बड़ी खुशी की बात होती है। और वैसे भी लॉकडाउन में है तो बहुत सारे लोगों को अब मैं सुन रही हूँ कि 2 दफ़ा हमने कुरान शरीफ पढ़ लिया है हमने 3 दफ़ा पढ़ लिया बड़ी बात है। जो हाफ़िज़ होते हैं उनके लिए और आसान होता है। जो आप लोग हैं जो हाफ़िज़ नहीं होते ना उन 1 सपारा पढ़ना होता है हम 5 पढ़ लेते हैं हमारी स्पीड और हाफ़िज़ के लिए थोड़ी आसानी होती है। आसानी होती है बिल्कुल। तफ़सीर के साथ आपको सारा कुछ आता है या नहीं? तर्जुमे के साथ नहीं अभी किया। अच्छा सही सही सही। चलें हम आगे बढ़ते हैं। आपको पता है जैसा कि रमज़ान भी जो उनसे है वो हमसे अलग होता जा रहा है अब काफ़ी दिन गुजर चुकी हैं तो अब कोई आधा रमज़ान बाकी रह चुके हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो इसी सिलसिले में ज़फ़र साहब से हम पूछते हैं ज़फ़र सपारी साहब आप ये बताएं कि रोज़ा और सब्र इन दोनों का आपस में क्या मायने है कि सब्र रोज़ा रख के सब्र हमें कैसे करना चाहिए इसके बारे में कुछ बताएं हमें। जी बिल्कुल रमज़ान में रोज़े में लोग ज़्यादातर ये होता है ये 3-4 बजे के टाइम लोग आपस में लड़ते हैं रोज़ा अपने ऊपर हैवी कर लेते हैं छोटी छोटी बात पे लड़ना। रोज़ा रख के इबादत करें सब्र जो लोग आपसे नाराज़ हैं उनको राज़ी करें और रोज़े में आप जितने से ज़्यादा घर में रहें अपनी इबादत। ये महीना हमारी एक ट्रेनिंग का महीना है ऐसे ये पूरे साल के लिए हमारी एक तरतीब बन जाती है नमाज़ों का भी क्योंकि 30 रोज़ों में बंदा लगातार 5 वक्त की नमाज़ पढ़े एक आदत बन जाती है फिर ना आप कभी नमाज़ छोड़ेंगे आपकी आदत बन जाती है ना। तो कोशिश यही है मेरे जितने भाई हैं मेरे दोस्त हैं आप कोशिश करें छोटी मोटी बात दरगुजर करें रमज़ान का महीना है आपसे जो भाई नाराज़ हैं उनको राज़ी करें
उनसे मतलब उनके पास आप जाएंगे ना तो उनसे जब राजी करोगे इसमें आप छोटे नहीं हो जाते, आप बड़े हो जाते हैं। बहुत तो कोशिश करें, सब्र करें, प्यार मोहब्बत से रहें, अपनों से बड़ों की इज्जत करें, छोटों पे शफकत करें। क्यों अब्बास, आपका क्या कहना है इसका बारे में, सब्र के बारे में? भाई बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, ऐसे ही आजकल के हालात में हमें ये बिल्कुल जो दिन का टाइम है गालबन लोग कोई लड़ाई कर रहे हैं, कोई गालियाँ दे रहे हैं आपस में, क्या है रोज़ा रखा हुआ है यार, तंग ना कर यार मुझे, गुस्सा भाई गुस्सा क्यों आए, रोज़ा रख के आप सब्र का मुजाहरा करें। रोज़े का मतलब यही है कि आप सब्र से काम लें, तो हम लोग सब्र से काम लेंगे। अच्छा, हमारी आवाम में सब्र ज़रा कम पाया जाता है ज़फ़र साहब, ये भी देखा गया है जैसे कि लॉकडाउन की सिचुएशन देख लें, जब गवर्नमेंट ने ये अनाउंस किया कि लॉकडाउन है तो देखा जाता है कि बाहर ज़्यादातर भीड़ है, लोग नहीं सुनते हैं और सब्र नहीं करते हैं कि अगर हम इस महीने सब्र कर लेंगे, थोड़ा घर में रहेंगे, वैसे भी रमज़ान है, थोड़ी अपनी इबादत पे गौर व फिक्र करें तो हम जो है आगे अपना मुस्तकबिल बेहतर बना सकते हैं और अपने आप को सेफ भी रख सकते हैं। जी हुकूमत तो हमारे फ़ायदे के लिए कर रही है ना, क्योंकि ये हुकूमत का वैसे ये बंद करे तो नुकसान है, ये तो हमारे फ़ायदे के लिए यार, क्योंकि एक बंदे की वजह से पूरा घर तबाह हो जाता है। एक कोरोना एक ऐसी बीमारी है आपकी वजह से पूरे घर को लग जाती है, तो ऐसे क्या फ़ायदा जो बंदा फोत हो जाए उसके जनाजे पे ना अपने आ सके ना रिश्तेदार देख सके, तो लिहाजा ये हमारा फ़ायदा है। आप कोशिश से करें जो बहुत ज़रूरत हो, ज़रूरत के तहत आप बाहर जाएँ, वो भी घर से एक बंदा जाए अपना काम करके वापस, अपने दोस्त हैं उनको भी मना करें, कोई बात होती है आपको अपना दोस्त की बात अच्छी लगती है, कोई बार का बात बंदा आपको मना करे तो आपको बुरा लगता है, तो दोस्त हो भाई हो तो कोशिश करें अपने दोस्त हैं जो आपके भाई हैं उनको मना करें, क्योंकि ये अल्लाह करे कि इंशाल्लाह जितनी इबादत जितना जिक्र इस महीने में हुआ ना तो अल्लाह हमसे राज़ी होगा, ये कोरोना शुरोना सब कुछ ख़त्म हो जाएगा इंशाल्लाह, ये अल्लाह नाराज़ है और कोई ऐसा नहीं है। तो आप कोशिश करें अपने भाई हैं दोस्त हैं, ये एक ही महीना है इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह को राज़ी करना है, अल्लाह से माफ़ी मांगनी है गिड़गिड़ा के रो के सजदों में, तो इंशाल्लाह ये ख़त्म हो जाएगा कोरोना, ये हमारे फ़ायदे के लिए हुकूमत कर रही है यार घरों में रहो। बिल्कुल ऐसा ही, रमज़ान भी है ना, रमज़ान की वजह से भी है, एक तो हमारे ऊपर रहमतों का महीना है बरकतों का है, इससे हमें अल्लाह ताला से ज़्यादा माफ़ी मांगनी चाहिए, तो अपने गुनाहों की माफ़ी अल्लाह से मांग कर अभी इस वो जो कोरोना वबा है इससे भी हमें अल्लाह ताला निजात दिलाए। तो बढ़ते हैं हम आगे, ज़फ़र साहब बताइएगा कि आपको पता है कि लॉकडाउन की सूरत हाल है वो मज़ीद इसमें नरमी के इम्कान है, कह रही है कि गवर्नमेंट की तरफ से कि इसमें नरमी आने वाली है, तो क्या ये नरमी से लॉकडाउन जब ये नरमी करेंगे तो लोग जाहिर है मार्केटों में निकलेंगे, बाजारों में निकलेंगे, तो उससे क्या कोरोना के बढ़ने का खदशा है या नहीं है? ये तो आपको पता ही है हमारे पे करम है पाकिस्तान पे, आप अमेरिका में देख ले सुपर पावर जो जिनके पास, और इटली देख लें, स्पेन देख लें, फ्रांस देख लें, रोज़ के 500 हज़ार 2000 बंदा रोज़ का मर रहे हैं, हम तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है हमारे ऊपर बहुत, मतलब फिर भी जिस तरह हमारे लोग फेर रहे हैं, आप अभी भी चले जाए राशिया रोडों पे, तो ये हमने अपनी हिफाजत खुद करनी है। ये हम हकूमत बेचारे दो महीनों से उन्होंने किया है, हमारे जो पाक आर्मी है पुलिस वाले नौजवान है बेचारे रोडों पे खड़े हैं, मना भी कर रहे हैं लोग फिर भी मना नहीं हो रहे हैं, जो हॉस्पिटल में डॉक्टर हैं नर्सें हैं तो ये बेचारे तो लगे हुए हैं, हमारे लोगों ने खुद करना है, जब तक हम खुद नहीं करेंगे इसका मुकाबला तो ये इन चीज़ों से नहीं होगा। ये तो हुकूमत ने थोड़ा बहुत किया क्योंकि आगे ईद आ रही है ऐसे और लोगों ने बच्चों के लिए शॉपिंग भी करनी है, कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा आप घरों में रहें और अपना खुद हिफाजत करें, इसका और कोई हल नहीं, ये वायद ऐसा दुश्मन है जो नज़र नहीं आता, तो आपने खुद ही करना है जो करना है, ये जंगी हालात हैं इसके बिल्कुल ऐसे ही है। अब्बास आप बताएं आप क्या कहते हैं नरमी के बारे में, ये जो हुकूमत ने डिसीजन लिया है, मैं तो खुद इससे एग्री करती हूँ, आपका क्या ख्याल? ठीक है, डिसीजन तो बहुत अच्छा हुकूमत ने लिया है, जफर भाई क्या कहते हैं इस हवाले से? लेकिन जफर भाई की भी बात बिल्कुल ठीक है, अमेरिका कहते हैं हम सुपर पावर है, वहाँ कितनी अमवात हो रही हैं और हमारे इस पूरे पाकिस्तान में आप देखें बहुत कम, अल्लाह पाक का बड़ा फजल करम है रमज़ान शरीफ के सदके, लेकिन ठीक है इकदाम खोलने भी चाहिए लेकिन एक महदूद लिमिट तक, जैसे कि कहा गया कि 5 बजे तक मार्केट्स खुली रहेंगी, उसमें दीगर मतलब बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स हैं उसको बंद रखा जाएगा और जो छोटी दुकानें जो छोटा तबका है उसको खोला जाए और एक महदूद लिमिट के तहत लोग उसको
जी बाकी जो मेरे ख्याल से जो कपड़ों की जूतों की दुकानें हैं वो तो ऑनलाइन कर सकती हैं ये चीजें, बाकी जो है छोटी दुकानों का थोड़ा सा सुबिया आपसे ये है कि देखिए कुछ लोग जो उनसे हैं वो ऑनलाइन शॉपिंग नहीं कर सकते, उनको पता ही नहीं है कैसे वो करेंगे वो लोग। और दूसरा ये जबर साहब आप बताइएगा कि एक ये जो ट्रांसपोर्ट के हवाले से है, ईद का सिलसिला है, सब लोगों ने अपने अपने घरों में जाना होता है, तो ज्यादा तो लोग बाहर के लोग हैं तो, लेकिन फिर भी और पूरे मुल्क में लोगों ने ट्रैवलिंग तो करनी होती है, तो इस हवाले से गवर्नमेंट की तरफ से अभी तक तो कुछ वो प्लान नहीं आया कि ट्रांसपोर्ट को ओपन किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। और रेलवे के बारे में बताया जा रहा है कि रेलवे में जिन लोगों ने सफर करना है वो अपना टिकट्स ऑनलाइन खरीदें, और वहां पे किसी स्टॉल को भी इजाजत नहीं होगी कि स्टॉल लगे होंगे, अपना खाना भी घर से लेके आए, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि आजकल आपको पता है जो अपनी जो मजदूर बंदा जिसकी 15,000 रुपये तनख्वाह हो तो वो रेंट की गाड़ी 10,000 रुपये में नहीं कर सकता, उसने बच्चों को खिलाना है या वो गाड़ी में सफ़र करके जाए या लाहौर जाना है या गुजरावाला जाना है, जिधर भी जाना है, ज़्यादातर लोग बाहर के हैं, तो ये अच्छी बात है थोड़े बहुत जो अड्डे खुल जाएँ, ये लोग अपने घरों को जाएँ, छोटी ईद होती है, खुशी का हर बंदे का दिल करता है मैं अपने घर जाऊँ, क्योंकि सब ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है ना बाहर के हैं, तो ये एक ऐसा मैसेज है इधर से हम कह दें, तो ये थोड़ा बहुत ये नरमी करें इस ट्रांसपोर्ट में भी कि लोग अपने घरों को तो जाए ना। बिल्कुल, अब आप हम जो है ना इस वक्त आगे लेके चलेंगे, लेकिन अब्बास से एक नात सुनेंगे और नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाशिफ के चंद अशआर पेश करते हैं। जी जरूर, खूबसूरत एक शायर है सैयद अल्ताफ शाह साहब काज़मी, उनका लिखा हुआ कलाम समाप्त फरमाएं, आप क्या लिखते हैं। मेरी झोली में रहते हैं सदा टुकड़े मुहम्मद के, मेरी झोली में रहते हैं सदा टुकड़े मुहम्मद के, और अजल से खारा है ये गदा टुकड़े मोहम्मद के, टुकड़े मोहम्मद के, मेरी झोली में रहते हैं सदा टुकड़े मोहम्मद के। बड़ा ही खूबसूरत शेर समाप्त में, के पड़ी है क्या मुझे शाहों के दर से जाके मांगू मैं, हो पड़ी है क्या मुझे शाहों के दर से जाके मांगू मैं, खिलाता है मुझे मेरा खुदा टुकड़े मोहम्मद के, टुकड़े मोहम्मद के, मेरी झोली में रहते हैं सदा टुकड़े मोहम्मद के। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकअल्लाह, बहुत खूबसूरत नाते कलाम रसूल मकबूल अभी आपने समाप्त फरमाया। नाज़रीन, इस वक्त हमारे प्रोग्राम का यहाँ पर वक्फा हुआ चाहता है, इंशाल्लाह वक्फे के बाद आपसे मुलाकात होती है।